Hi friends, I'm Gaurav and इस वीडियो में हम लोग एक still life drawing पे work करने वाले हैं. In the last video, we talked about perception skills that are important for artists. I hope आप लोगों ने वो वीडियो देखा है. अगर नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा. और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन्हीं skills को apply करने का. तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है. मेरे पास यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं जिनको हम लोग एक बेसिक सेटअप में अरेंज करेंगे. ये डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स के ब्लॉक्स हैं और इन्हीं को हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं. आई नो आप में से बहुत से लोग हैं जो पोर्ट्रेट ड्राइंग और फिगर ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप सिंपल एक्सरसाइज पिक करें जिसमें आप सिंपल शेप्स एंड फॉर्म्स को पहले ड्रॉ करना सीखें. बिकॉज इफ़ यू डायरेक्टली पिक अप सम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स लाइक पोर्ट्रेट्स और फिगर्स, इट माइट गेट रियली चैलेंजिंग फॉर यू एंड देर आर चांसेस दैट यू माइट गिव अप ऑन ड्राइंग बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू डायरेक्टली ड्रॉ सम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, राइट? सो लेट्स बिगिन दिस सिंपल एक्सरसाइज. तो मैंने ब्लॉक्स को अरेंज करके अपने टेबल पे और उसका एक पिक्चर लिया है जो कि टॉप लेफ्ट में यहाँ पर एज अ रेफरेंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं. उसको हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए डीसैचुरेट कर लेंगे ताकि हम वैल्यूज़ पे फोकस कर पाएँ. तो सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं. वार्म अप के लिए आप एक रफ़ शीट यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट शीट यूज़ कर रहा हूँ. इस पर हम सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन्स, कर्व्स, डायगोनल लाइन्स सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे. किसी भी तरह की ड्राइंग करने से पहले आपको वार्म अप कर लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके हैंड का और माइंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है. प्लस आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने का भी मौका मिलता है. वार्म अप के बाद हम यहाँ पर बेसिक स्केच शुरू करेंगे. बेसिक स्केच के लिए आपको बहुत ही लाइट ड्रॉ करना है. जो भी आपको नज़र आ रहा है आपको वही ड्रॉ करना है. यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल शेप्स हैं. हमने पिछले वीडियो में परसेप्शन की बात की थी जहाँ पर हमने परसेप्शन ऑफ एजेस, परसेप्शन ऑफ स्पेस और परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप्स समझा था. तो यहाँ पर वही चीज़ आपको फॉलो करनी है. आपके पास रेफरेंस है, यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट आपके जो फ्रेम का एज है उससे कितनी दूरी पे है, वो आगे है या पीछे है, कौन से ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है या कौन सा बड़ा है, इनके आपस की रिलेशनशिप्स और सिंपल लाइट स्केच आपको करना है ताकि आप इस पे धीरे धीरे डार्कर टोन्स बिल्डअप कर सकें. आप देख रहे हैं रेफरेंस में जो लाइट का डायरेक्शन है वो टॉप लेफ्ट से आ रहा है और उस लाइट की वजह से ही हमें कुछ एरियाज ब्राइट दिख रहे हैं, कुछ एरियाज डार्क दिख रहे हैं. तो हमें लाइट, मिड टोन और शैडो आइडेंटिफाई करना है और वही यहाँ पर अपनी ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड परस्पेक्टिव एज येट. और आप कोशिश करिए आपका स्केच ठीक बने. ज़रूरी नहीं है एकदम एक्यूरेट बने, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल ड्राइंग करना, सिंपल स्केच करना कितना इम्पोर्टेंट है. स्केच के बाद यहाँ पर एक बेसिक टोन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ डार्क वैल्यू है. वो कहीं पे भी एब्सोल्यूट वाइट नहीं है. तो एक बेसिक टोन यहाँ पर होना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम धीरे धीरे डार्कर टोन्स बिल्डअप करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी हमें वाइट शो करना है हम वहाँ पर थोड़ा सा इरेज भी कर सकते हैं.
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्मज भी कर सकते हैं. यू कैन यूज़ अ टिश्यू पेपर और कॉटन टू स्मज द टोन. अब यहाँ पर आप किस तरह का शीट यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा टेक्सचर भी नज़र आ सकता है. उस टेक्सचर को बिल्कुल ब्लेंड करने के लिए और टोन को स्मूथ करने के लिए आपको बीच बीच में स्मज करना पड़ेगा और उसके ऊपर दोबारा से डार्कर टोन्स क्रिएट करनी होंगी. सो दिस इज अ वेरी स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. यू हैव टू बी रियली पेशेंट. अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप वैल्यूज़ को मैसअप कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वैल्यूज़ कंट्रोल करना. तो कोशिश करिए धीरे धीरे रेफरेंस को समझ के, उसे ऑब्ज़र्व करके, और एक एक स्टेप या एक एक टोन डार्कर वैल्यू में हम लोग ट्राई करें. यहाँ पर शैडो शेप्स भी आपको नज़र आ रही हैं और शैडो में आप देखेंगे कुछ जगह पर हार्ड एजेस हैं, कुछ जगह सॉफ्ट एजेस हैं और कुछ जगह लॉस्ट एजेस भी हैं. तो पहले हम बेसिक शेप बना लेंगे और धीरे धीरे जब हम शैडो को रेंडर करेंगे तो उसमें हमें हार्ड, सॉफ्ट और लॉस्ट एजेस भी क्रिएट करने हैं. यहाँ पर रिलेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट वैल्यू ही रिप्रेजेंट करें. विद प्रैक्टिस आप ये ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में कोशिश करें कि रिलेटिव वैल्यू एटलीस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएं. आई मीन यू हैव टू सी कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे लाइटेस्ट है और कौन सा सबसे डार्केस्ट है, या कौन सा प्लेन किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे डार्केस्ट है, और लाइट से कितना डार्क है, आपको वो जो रेंज है वो यहाँ पर मेंटेन रखना है. जो रिलेटिव वैल्यू है वो ठीक आनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं कैच कर पाएंगे. वो आप विद प्रैक्टिस धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं. पेंसिल को बिल्कुल लाइट पकड़ना है और कोशिश करिए कि जो पेंसिल का टिप है वो एकदम फ्री रहे, ताकि आप उसको हर एंगल पे यूज़ कर सकें. अभी तक मैं 2B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू गेट different range of tones just by using a single pencil. You can always use a darker pencil or a softer pencil as well. बट उसके लिए आपका वैल्यूज़ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और पेंसिल पे कितना प्रेशर देना है, कितना डार्क या कितना लाइट चलाना है, वो समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विद अ सिंपल 2B पेंसिल एंड इवेंचुअली आप 4B या 6B भी यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पर चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. जो डार्केस्ट वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट करने के लिए अब साथ के साथ यहाँ पर शैडोज़ को भी हम लोग फिलअप करेंगे. खासकर जो कास्ट शैडोज़ हैं जो कि ग्राउंड पे पड़ रही हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ
द ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द लाइट, जहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट लाइट को रोक रहे हैं उसकी वजह से ग्राउंड पे जो कि बेस है वहाँ पर इनकी कास्ट शैडोज़ पड़ रही हैं, और एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी शैडो पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं कहीं कहीं, तो वो भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके फ्लैट प्लेन्स हैं, जिनके हार्ड सरफेसेस हैं, हार्ड एजेस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कर्व्ड हैं, जैसे कि सिलेंडर है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सरफेस को रेंडर करना है। जहाँ जहाँ पे सरफेस टर्न हो रहा है वहाँ पर लाइट अगर हिट करेगी तो किस तरह से ट्रांजिशन आएगा, कहाँ पर ब्राइटेस्ट एरियाज होंगे, कहाँ पर धीरे धीरे डार्क टोन आता जाएगा, जिस तरह का आप इस पर रेंडरिंग करेंगे वही चीज़ डिफाइन करेगी कि आपके ऑब्जेक्ट का एक्चुअल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या है। ड्राइंग फ्रॉम लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह की स्टिल लाइफ स्टडीज अगर करते हैं तो आप अपना परसेप्शन, अपना ड्राइंग एबिलिटी और पेंसिल हैंडलिंग, कंट्रोल ओवर वैल्यूज, शेडिंग टेक्निक्स, यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स लाइक पेंसिल्स, इरेजर्स, स्मजिंग टूल्स, इन सभी में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो इस तरह का सेटअप आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन इवन चेंज द लाइटिंग डायरेक्शन एंड डू अनदर ड्राइंग ऑफ द सेम सेटअप। ऐसा करने से आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि लाइट का डायरेक्शन और लाइट की हार्डनेस या सॉफ्टनेस और लाइट सोर्स का डिस्टेंस किस तरह से ओवरऑल सीन को चेंज करता है। सी आई एम यूजिंग एन इरेजर नाउ जस्ट टू क्लीन इट अप एंड create some highlights and reveal pure white wherever required. ये याद रखिए कि कोई भी वैल्यू आपको हमेशा रिलेटिव वैल्यू की तरह ही नजर आती है। There is no absolute value anywhere. आप जिस भी जगह पर डार्क या लाइट टोन बना रहे हैं उसके आसपास किस तरह की टोन्स हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना डार्क या कितना लाइट दिख रहा है। कई बार हमें लगता है कि एक कोई एरिया जो है वो बिल्कुल वाइट है, लेकिन वो वाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है। वाइट इसलिए लगता है कि उसके पास में और ज़्यादा डार्क ग्रे है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव वैल्यू क्या नज़र आ रही है हमें। इसी तरह से कलर्स में भी आपको ध्यान रखना होता है, बट कलर्स पे आने से पहले आप पहले सिंपल वैल्यूज़ ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल में आप समझिए। एक बार आपको ये ढंग से प्रैक्टिस हो जाए और ये समझ में आ जाए तो आप इजीली कलर भी समझ पाएंगे।
यहाँ पर देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा हूँ, उनको समझ कर रहा हूँ और वापस डार्क कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस जो है टू एंड फ्रो आपको बार बार रिपीट करना होता है जस्ट टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जो टेक्सचर है वो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इफ़ यू वांट इट वेरी स्मूथ तो आप उसको और स्मज करके और उसको ब्लेंड कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव सम काइंड ऑफ टेक्सचर, इट गिव्स अ मोर नेचुरल लुक टू द ड्राइंग। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 6B और 4B पेंसिल का भी यूज़ किया है कुछ कुछ एरियाज़ में, क्योंकि 4B और 6B कंपैरेटिवली थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, इसको आप इजीली ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ डार्कर टोन्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इससे पहले कि आप फिगर या पोर्ट्रेट ड्रॉ करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के सिंपल ऑब्जेक्ट्स और सिंपल फॉर्म्स को ड्रॉ करना और रेंडर करना सीखें, क्योंकि आखिरकार आप यही यूज़ करने वाले हैं फेस ड्रॉ करने के लिए भी और फिगर ड्रॉ करने के लिए भी। यहाँ पर मैं एक स्टंप यूज़ कर रहा हूँ स्मज करने के लिए, तो आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के पेपर स्टंप्स आते हैं अलग अलग साइज़ में, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी ड्राइंग को फिनिशिंग की ओर ले जा सकते हैं और कोशिश करिए कि इस तरह की काफ़ी सारी ड्राइंग्स आप रेगुलरली करते रहें, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह की लाइटिंग कंडीशंस, इससे आपका परसेप्शन और इम्प्रूव होगा और आपका ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी शार्प होगा। इस तरह की प्रैक्टिस को आपको बहुत ही तसल्ली से करना है, दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आप पर्सनली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो गिव योरसेल्फ सम रूम टू कमिट मिस्टेक्स, टू इम्प्रूव, टू लर्न। और इसे एंजॉय करते हुए करें, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, कीप इट सिंपल, अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दें और उसमें जब आप सक्सेस अचीव करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप और चैलेंजिंग टास्क्स भी इजीली ले पाएंगे। Thank you.
अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इस तरह की ड्राइंग्स करते वक्त आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसी एरिया में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वॉज यूजफुल। आप लोग भी एक सिंपल सेटअप बनाकर स्टिल लाइफ ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और अपने व्यूज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।